व्यूअर्स, आज हम आपको क्रिएट डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो गैप लिंक बताएंगे जो आपके सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो व्हाट इज अ बैकलिंक एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। बैकलिंक, जैसा कि नाम ही से पता लग रहा है कि आप जो लिंक बनाते हैं वो वापस आपकी साइट पे आता है या ब्लॉग पे आता है या वीडियो पे आता है। बैकलिंक ऑल्सो नोन एज इनबाउंड और वन वे लिंक are simply link that point to your website from another website. एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से जोड़ता है और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाता है। The best part of the backlink is that they help promote your blog or site just by being a hyperlink to you from another source. दूसरे सोर्स से आपके उसमें hyperlink बनता है कि जिससे कि लोग वहाँ पर आते हैं। Why they may sound straightforward, backlink are essential to SEO. SEO के लिए क्यों backlink essential है? But what does it really mean to create a backlink? तो लेकिन क्या आपको backlink बनाना चाहिए? What are the benefit of the backlink? Backlink इसलिए बनाना चाहिए जिससे आपके particular website या blog की रैंकिंग बढ़े और आपके ट्रैफिक आपकी साइट पे बढ़े। इसके 5 बेनिफिट हैं। बिल्ड योर ब्रांड अथॉरिटी, ड्राइव स्टडी रेफरल ट्रैफिक ऑन ऑटो पायलट, लॉन्ग टर्म डायरेक्टरी एंड रिसोर्स लिंकिंग, क्रिएट न्यू रिलेशनशिप, ब्रांड नेम एक्सपोजर एंड रिकग्निशन। आपके ब्रांड को का एक्सपोजर करता है, उसकी अथॉरिटी को बढ़ाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं आपके, तो इस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है और लॉन्ग टर्म डायरेक्टरी क्रिएट होती जाती है इससे, और आपके डिफरेंट रिसोर्सेज से आपका साइट लिंक हो जाता है जिससे दूसरों से रिलेशनशिप क्रिएट होती है। अब जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप अपने वीडियो को भेजते हैं तो वहाँ पर भी लोग आपको जानते हैं। डू बैकलिंकिंग फ्रॉम यूट्यूब हेल्प SEO? तो क्या बैकलिंकिंग करने से आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब पर भी होता है? बाय क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल, इंसर्टिंग अप्रोप्रिएट URL, क्रिएटिंग ग्रेट वीडियो कॉन्टेंट एंड देन मॉनिटरिंग द बैकलिंक एक्टिविटी थ्रू मॉनिटर बैकलिंक्स, योर SEO कैन स्काई रॉकेट एंड हेल्प यू टू साइट रैंक हायर देन एवर बिफोर। और आपका साइट जो होता है वो रॉकेट की तरह उड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक आती है और ज़्यादा लोग आपके वीडियो को जानते हैं। इस बैक लिंकिंग स्टिल इम्पॉर्टेंट? तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, तो क्या अभी भी इसको लोग इम्पोर्टेंस देते हैं? इसको इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि गूगल के जो पेज का रैंकिंग होती है वो इसी के एल्गोरिथम पर काम करती है, तो इसलिए बैक लिंकिंग अभी भी आपकी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। वॉट इज अ डू, तो किस कितने तरह की बैक लिंक होती है? डू फॉलो लिंक होती है और नो फॉलो लिंक होती है। डू फॉलो लिंक मतलब कि आप फॉलो करते हैं। ऑल द बोथ टाइप्स ऑफ लिंक अचीव द सेम गोल ऑफ लिंकिंग फ्रॉम द ओरिजिनल साइट टू द डेस्टिनेशन साइट, दे टेल द सर्च इंजन टू डिफरेंट थिंग। लेट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द डू फॉलो एंड नो फॉलो। तो दोनों का क्या डिफरेंस है ये हम लोग आज पता करेंगे। व्हाट इज अ डू फॉलो बैकलिंक? डू फॉलो लिंक इज अ लिंक दैट हेल्प इन टर्म ऑफ SEO, पासिंग द अथॉरिटी ऑफ ओरिजिन साइट टू द डेस्टिनेशन साइट। आप अपनी अथॉरिटी को डेस्टिनेशन साइट को देते हैं। दिस पासिंग ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड अ लाइव लिंक जूस। और ये जो आप अथॉरिटी दूसरे साइट को देते हैं उसको लिंक जूस कहते हैं। जितनी ज़्यादा साइट से आप अपनी बैकलिंक भेजिएगा उतने ज़्यादा लिंक जूस आपको बेनिफिट करेगा। ये करता है इम्प्रूव डोमेन रेटिंग एंड इम्प्रूव कीवर्ड रैंकिंग। तो ये आपकी कीवर्ड रैंकिंग को इम्प्रूव करता है और डोमेन की रेटिंग को बढ़ाता है। बाय डिफॉल्ट लिंक्स आर डू फॉलो, सो देयर इज नो नीड टू राइट रिलेशन इक्वल्स टू डू फॉलो व्हेन लिंक इज टू बी लिंकिंग टू द वेबसाइट। अब ये हमारी लिंक जो बनती है वो HTML में बनती है। हमने HTML आपको पहले भी पढ़ाया और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको नहीं आता है तो और आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने पर तो आप वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज डू फॉलो ओनली व्हेन यू
directly link to it and trust the integrity of the web page. Of course, one or two links will be fine. But in a big amount of linking to the unrelated website might put you under the suspicious activities radar. अब अगर आप एक दो लिंक बनाते हैं, थोड़ी लिंक बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड साइट पे बहुत ज़्यादा लिंक बनाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो इग्नोर द स्पेसिफाइड लिंक, सिंपली पुट नो फॉलो लिंक, डू नॉट इम्पैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग बिकॉज दे आर नॉट फॉर पैसिव लिंक यूज. अब नो फॉलो लिंक जब आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा आपका सर्च इंजन पे रैंकिंग को इम्पैक्ट कर नहीं करता है, क्योंकि आप लिंक जूसिंग नहीं देते हैं. लिंक जूसिंग मीन्स है कि आप अपनी साइट को कितनी ज़्यादा साइट से कनेक्ट करते हैं और आप उससे कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को रैंक कराते हैं. हाउ टू टेल इफ द लिंक इज़ डू फॉलो. टू चेक इफ द लिंक इज़ डू फॉलो और नो फॉलो, यू कैन सिंपली इंस्पेक्ट द लिंक इन अ ब्राउजर एंड चेक द HTML कोड. अब इसके लिए कौन सी लिंक डू फॉलो कौन सी नो फॉलो है, उसके लिए हमें अपने HTML के स्क्रिप्ट को चेक करना होता है. जब हम स्क्रिप्ट को चेक करते हैं तो वहाँ पे नो फॉलो लिखा अगर मिला है तो वो नो फॉलो लिंक होगा रिलेशन में, अदरवाइज वो डू फॉलो होगा. बाय द वे, बाय डिफॉल्ट जो भी लिंक हम बनाते हैं वो डू फॉलो होती है. अब ये कुछ साइट हैं जिसपे जाकर आप डू फॉलो लिंक बैक लिंक को देख सकते हैं, जिसमें वर्डप्रेस, ब्लॉग पोस्ट, किंजा, प्योर वॉल्यूम, कीवी बॉक्स, माइंड, टम्बलर एंड स्टोर बोर्ड है. व्हाट इज अ नो फॉलो बैक लिंक? अगर डू फॉलो बाय डिफॉल्ट लिंक होती है तो नो फॉलो बैक लिंक क्या होती है? नो फॉलो लिंक और बैक लिंक इज अ लिंक विच डज नॉट पास अथॉरिटी ऑन टू द वेबसाइट. It is the link, this link do not help in term of SEO. ये link जो होती है आपको SEO में help नहीं करती है. To make a link, no follow, add rel equals to no follow. अब इसमें link बनाते समय आपको attributes में rel no follow लिखना पड़ता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि href equals to http subsite का name और यहाँ पर rel equals to no follow. तो इसमें link juicing नहीं होगी और आपका रैंकिंग भी कम होगी, लेकिन आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा. तो व्हेन शुड अ नो फॉलो बैकलिंक बी यूज, तो कब इसको यूज करना चाहिए? नो फॉलो बैकलिंक शुड बी यूज व्हेन यू डू नॉट वांट द पास लिंक जूस टू और एंडोर्स द लिंकिंग वेबसाइट. लिंक वेबसाइट जो वेबसाइट है आपसे लिंक है वो आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकती है या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकती है, उसको आप पलट के कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये स्पैमिंग होती थी 2005 में, तो उसको स्पैमिंग को ख़त्म करने के लिए नो फॉलो बैकलिंक बनाई गई. वेब मास्टर्स वर एबल टू मेक लिंक टू इन द कमेंट फील्ड नो फॉलो, सो द वेबसाइट वुडंट बेनिफिट फॉर स्पैमिंग कमेंट विथ लिंक, जिससे वो स्पैमिंग कमेंट आपको ना कर सकें. अदरवाइज सिचुएशन वेयर यू माइट वॉन्ट टू यूज द नो फॉलो लिंक is a sponsor link, affiliate link or user generated content. अब ऐसे तो बैक लिंक 50 तरह की होती है, मोर देन 50, बट कुछ लिंक्स जो होती हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, जिसमें से स्पॉन्सर लिंक, एफिलिएट लिंक और यूजर जनरेटेड लिंक होती है. आर नो फॉलो लिंक बैड? तो क्या नो फॉलो लिंक अच्छी नहीं होती? नो, acquiring no follow link is not bad thing, although you do not get the full SEO benefit of the do follow link. No follow link can generate traffic to your website as well as diversify your backlink portfolio. A natural backlink profile consists of distribution of both do follow and no follow backlink. Natural backlink जो होती है वो तो दोनों ही तरह के link को follow करती है, लेकिन अगर नो फॉलो लिंक आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, ट्रैफिक मिलता है और डाइवर्सिफाई वे में आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो. कैन नो फॉलो लिंक हर्ट यू? तो क्या नो फॉलो लिंक आपको हर्ट करती है? द फैक्ट दैट ही यूज द वर्ड टिपिकली इज इंडिकेशन दैट नो फॉलो लिंक कैन हर्ट योर वेबसाइट इन एक्सेप्शनल केसेस. तो कुछ केसेस में ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकती है, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी जो आपका कस्टमर करना चाहता है. गिव यू
quality backlink with a click of button, put your best SEO foot forward and a large number of high PR backlink. तो इसके लिए एक निम टूल हमारे पास फैसिलिटी है जिस पे वेबसाइट पे जाकर हम अपनी किसी भी वीडियो का बैकलिंक इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, और जिससे आपका एसईओ स्ट्रांग होगा और आपका रैंकिंग अच्छी होगी. निम टूल यूज टू हेल्प यू टू रैंक योर यूट्यूब वीडियो. निम टूल दिस बॉट विल डू द वीडियो एम्बेड फॉर अस एट अ लाइटनिंग स्पीड. If you got tons of video to rank, it's getting to our available very useful indeed. अगर बहुत से वीडियो हैं तो उसको रैंक कराना है आपको, तो आप इतनी लिंक्स नहीं बना पाइएगा जितना ये टूल ईजिली आपको बहुत कम समय में बना देगा. तो आप इस टूल को यूज़ करके आप बैकलिंक बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं अभी हम आपको इसको बना के बताएंगे. Does YouTube video backlink matter? तो क्या बैकलिंक आपको मैटर करता है यूट्यूब पे? बैकलिंक हैवंट एनी प्लेस विद इन द यूट्यूब सर्च इंजन एल्गोरिथम, बट अनलाइक गूगल अ वीडियो हैज अ फुल एक्सेस टू द गुड शॉट ऑफ स्टेट फॉर योर वीडियो. दे प्रोवाइड यू एक्सेस टू विद इन द वीडियो एनालिटिक्स. लेकिन गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से आप उस वीडियो के एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझ के उसकी अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर अच्छी एनालिसिस करता है तो वो गुड बैकलिंक होगा, अगर नहीं कर पाता है तो बैड बैकलिंक होगा. तो 100 बैड बैकलिंक बनाने से अच्छा है कि एक गुड बैकलिंक किसी ट्रस्टेड साइट से बनाइए जो कि आपके एसईओ को बेनिफिट दे. हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब बैकलिंक, जस्ट पेस्ट द यूट्यूब वीडियो लिंक इन टेक्स्ट फील्ड एंड क्लिक सबमिट. थैंक्स ऑल. द स्मार्ट निम टूल यूट्यूब बैकलिंक जनरेट विल स्कैन योर यूट्यूब वीडियो लिंक एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट अ यूट्यूब बैकलिंक on different quality website. This will boost your YouTube video ranking and increase the chance to get the better reach. अब चलिए हम एक वीडियो हमने यहाँ पे कॉपी कर रखी है जिसकी हमें बैकलिंक बनानी है, उसको बना के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं. तो हम लोग चलते हैं गूगल पे क्रोम में और वहाँ पे निम टूल खोलते हैं, nimtools.com. यहाँ पे देखिए आपको बहुत सी फैसिलिटी दी गई है. हम चलते हैं YouTube बैकलिंक जनरेटर में, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका वो टूल नीचे पे वीडियो की लिंक मांगेगा तो आपको उसको देना पड़ेगा. चलिए देखते हैं कहाँ गया YouTube बैकलिंक जनरेटर. टाइप एनी वर्ड टू सर्च SEO टूल. अगर आपको SEO करना है तो यहाँ पे आप बैक लिंक लिखते हैं आप तो क्या होगा, ढेर सारे आपके वर्ड्स आ जाएंगे. तो हमें वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे बैक लिंक क्रिएट करनी है. तो यहाँ पे व्यू करा हमने, वीडियो डाला और आई एम नॉट रोबोट किया और सबमिट कर दिया. अब विद इन अ सेकेंड ये आपकी देखिए ढेर सारी लिंक बना देगा. अब ये बैक लिंक जो है आपके इस वीडियो को रैंक कर सकती है. और वीडियो हम लोग ने क्या लिया है, वीडियो हम लोग ने लिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक. तो इस पे देखिए आपका ढेर सारा लिंक बन रहा है. अब ये सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो सारे लिंक आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे. ये लिंक जो है आपके इस वीडियो को बैक लिंक से बन जाने पे रैंकिंग करेगा और आपका वीडियो में विजिट ज़्यादा लोग कर पाएंगे और आपका व्यू और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा. लेकिन ये है कि आप उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग जब देखेंगे तभी आपके इस पर व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे. और अब कोई लिंक जैसे बन रहा है यूट्यूब कीवर्ड टूल फ्री कीवर्ड रिसर्च मान लिए बना. अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में. इसको लिंक को बनने दीजिए, जब पूरी बन जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे. ये जो लिंक बना है इसको आप इंस्पेक्ट करना है हमको.
यहाँ से नहीं होगा, वहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे गए, ऑनलाइन बैकलिंक मेकर टूल, क्वालिटी बैकलिंक जनरेटर। अब क्वालिटी बैकलिंक यहाँ गए, ओपन लिंक न्यू टैब किया, या यहाँ से गए इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट जब आप करिएगा तो वो आपको बताएगा कि नो फॉलो लिंक है कि फॉलो लिंक है। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड, कंट्रोल एफ करते हैं, यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग में नहीं होगा, इसको बंद कर दें। कंसोल रिकॉर्ड सर्च कहाँ गया, ये है क्या, मोर टूल, ये इसमें कंट्रोल एफ करते हैं। अगर यहाँ पे गए, प्रीव्यू फीचर्स, प्रॉपर्टी, क्विक स्टार्ट, लर्न न्यू रिकॉर्ड पैनल, हम हमें सीखना थोड़ी ना है। स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग बोल दे रहा है, यहाँ पर शायद ये बन गया है अबाउट बैक लिंक मेकर, वो दूसरे जगह चला गया, फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए एक ही काम करते हैं, नहीं तो दोनों भी नहीं हो पाएगा। बैक लिंक, अबाउट बैक लिंक मेकर फ्री, ये वाला था, इसको बंद कर दें। यहाँ पे गए, वीडियो डाला, आई एम नॉट रोबोट किया, सबमिट किया, और हमारा लिंक बन गया। तो इस तरह से हमारे लिंक बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ढूंढे बैक लिंक, अब इस लिंक पे गए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके सोर्स में गए और कंसोल एलिमेंट्स सर्च, इसमें नहीं दिख रहा है, हेल्प ले लिया, ये आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग ढूंढ लें कंट्रोल, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं हम लोग नो फॉलो कहीं है। अगर नो फॉलो होगा तो यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करने पे दिखा देगा, इसमें नहीं आ रहा है इसके मतलब इसमें नहीं है। अब और कोई लिंक, ये सारी फॉलो लिंक होगी क्योंकि इस पे तो हम लोग जाते हैं। सोर्स ये है ना, सोर्स में गए और बैक लिंक चेकर, यहाँ पे आ गए, बैक लिंक चेक कर सकते हैं। तो बहुत से टूल हैं, आप उसको, ये देखिए अभी ये बनता जा रहा है, अभी बना नहीं है ये बनता जा रहा है। तो इस तरह से आपके 105 लिंक बन जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बैक लिंक। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, go to community, answer on poll, and share my video
and watch full video and comment and ask the question in comment. Thank you.